आदाब, मैं हूं शफीउल्लाह। आप देख रहे हैं तेलंगाना स्टार चैनल। अजान स्कूल में होने वाले हादसे के बारे में डीसीपी ने प्रेस मीट करते हुए सारी तफसीलात बताई। तफसीलात के मुताबिक सिर्फ एक ही शख्स पर केस दर्ज किया गया, जिसका नाम जिलानी है। डीसीपी ने बच्चों के माँ बाप को बच्चों को लेकर संजीदा रहने का मशवरा दिया और कहा सिर्फ स्कूल ही में नहीं बल्कि दिन भर में तमाम मिलने जुलने वालों पर नज़र रखनी चाहिए कि वो आपके बच्चे को कैसी नज़र से देखते हैं, और कहा पुलिस अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगी मुजरिम को जल्द से जल्द सज़ा मिल सके और ये केस की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में हो गुजारिश करेंगे। रिपोर्टर फिरोज पठान के साथ मैं शफीउल्लाह, तेलंगाना स्टार चैनल। कैसा इशू किया जाए, उसमें आज वो उसी स्कूल का काम करने वाला एक जिलानी नाम का आदमी को आज अरेस्ट करे। अपने हमारे गोलकोंडा पीएस एसीपी अशोक चक्रवर्ती, इंस्पेक्टर मुनावर और उनके स्टाफ जिलानी को अरेस्ट करके आज रिमांड में उनको प्रोड्यूस करने वाले हैं। इसमें जो 4.5 साल की जो बच्ची पे बलात्कार किया गया है, उसी के आइडेंटिफिकेशन पे ये आज ये आदमी को रिमांड पे भी जा रहे हैं। ये जो लड़की है, ये ट्रीटमेंट के बाद ये अभी एकदम सेफ है और आज या कल उनको हॉस्पिटल से भी डिस्चार्ज करने वाले हैं। सर रेप हुआ बोले कन्फर्म है? ये सेक्सुअल असॉल्ट तो कन्फर्म हुआ 100%। तो उस हिसाब में मैं उसके बारे में एक्सपर्ट एडवाइस नहीं दे सकता क्योंकि वो डॉक्टर का डोमेन है और डॉक्टर के जो भी रिकमेंडेशन है वो एफएसएल को जाएगा। बाकी के जो भी मटेरियल एविडेंस है एग्जामिनेशन के लिए, वो आने के बाद डेफिनेटली चार्जशीट फाइल किया जाएगा। इसमें ये जो केस है इसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में हम लोग जज साहब से रिक्वेस्ट करके ये जल्द से जल्द इसका ट्रायल कंप्लीट कराने के बाद जो अक्यूज है उसको सजा मिलने की पूरी हमारी कोशिश है। सर केस कितनों पे बुक हुआ? केस सिर्फ एक ही अक्यूज एक ही है। स्कूल मैनेजमेंट इस केस से उनका कोई ताल्लुक नहीं है क्योंकि ये इंडिविजुअल ऑफेंस है। ये जो शिक्षक ऑफेंस है वो 1-to-1 है। ये जो अक्यूज जिलानी है उसी को अरेस्ट कर रहे हैं, एफ आई आर में भी उसी का नाम। सर इससे पहले इससे पहले भी स्कूल में ऐसा ऑफेंस हुआ था जिसको मैनेजमेंट दबाया और करने वाला जिलानी ही है, बल्कि इससे पहले भी इन करने के बाद भी मैनेजमेंट इसको नहीं हटाया मैनेजमेंट से, तो इसके ऊपर मैनेजमेंट के ऊपर भी कुछ केस। एक मिनट, इसी मैनेजमेंट और इसी कॉलेज और इसी स्टाफ मेंबर के ऊपर हमारे को तो पुलिस स्टेशन में किसी ने कम्प्लेन नहीं दिया, ना पेरेंट दिए ना स्कूल के मैनेजमेंट दिए। अगर से कोई पेरेंट अगर से इस तरह का कंप्लेंट देता तो जैसा ये एफआईआर इशू आए उसी तरह वो भी एफआईआर इशू होने वाला था। लेकिन अब पेरेंट्स अगर से होके नहीं करे कंप्लेंट तो पेरेंट्स का गलती है, कभी नहीं रहना चाहिए ऐसा। वो पेरेंट्स का गलती है, फर्स्ट ऑफ ऑल किसी बच्ची पे इस तरह का हादसा हुआ तो कोई पेरेंट नहीं देता तो पेरेंट को ब्लेम करना चाहिए फर्स्ट, स्कूल मैनेजमेंट को नहीं। वो पेरेंट का भी इतना ही जिम्मेदारी है, किसी बच्चे पे इस तरह का हादसा होता तो पेरेंट को भी देना चाहिए ना। पुलिस की भी सुमोटो तो ले सकता ना सर, पुलिस भी तो ले सकता, पुलिस भी तो सुमोटो केस भी हो सकता सर। और पेरेंट अगर कंप्लेंट नहीं कर रहा सुमोटो केस सर, पेरेंट्स अगर कंप्लेंट नहीं भी करा होगा सर तो आप ये कंफर्म हो गया कि सर कि उससे पहले भी उन्होंने करा था? मेरे को हमारे को कोई कंफर्मेशन नहीं है भैया। हमारे को कंफर्मेशन होता तो एफआईआर इशू करते। आज भी अगर से वो पेरेंट्स आके कंप्लेन दिए तो जरूर आज भी करेंगे केस। सर कोई मैनेजमेंट की तरफ से या है? मैनेजमेंट के यहाँ तो कोई नहीं है, यहाँ बैठे हुए दो लोग। सर आपकी इन्वेस्टिगेशन में जिलानी कौन बैठे हुए? दो मिनट, आप कहाँ से हैं? मैडम वो भी एक स्कूल के पेरेंट है, वो उनके मैडम कोई भी हो किसी बच्चे के हमारी बातचीत हो रही है।